व्हाट्सअप गाइड्स में रवि वाल्मीकि से वेलकम बैक टू माय चैनल आरवी ऑफिशियल। सो फ्रेंड्स, आपके लिए लाया हूं वन प्लस नॉर्ड का सक्सेस मॉडल नॉर्ड 2। जी, हमारे पास नॉर्ड 2 आ चुका है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो गाइस, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकॉन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलेगा, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एंड तक बने रहिएगा। तो जानेंगे इस वीडियो में नॉर्ड के सक्सेस मॉडल नॉर्ड 2 के कुछ इंटरेस्टिंग फीचर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं हमारे पास नॉर्ड 2 आ चुका है फाइनली। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं हमें इसमें क्या क्या मिलने वाला है। तो हम इसके बॉक्स को देखते खोल करके और बॉक्स के अंदर देखते हैं हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम इसको निकाल देते हैं और ये आप देख सकते हो बॉक्स के अंदर ये हमारा नॉर्ड 2। तो इसको हम बाद में देखेंगे। एंड बॉक्स के अंदर ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। ये वन प्लस का आप देख सकते हो। इसके अंदर आपको मिलने वाला है बैक कवर, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। और डिज़ाइन आप देख सकते हो बैक कवर का कैसा लग रहा है। ये डॉक्यूमेंटेशन एंड ब्लू कलर में काफ़ी तरह के डॉक्यूमेंटेशन अंदर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। मेंबरशिप एंड सिम टूल भी आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हो। आपको 65 वॉट का वॉप चार्जर मिल रहा है बॉक्स के अंदर, ये आप देख सकते हो, आपको दिखाई दे रहा होगा वॉप चार्जर 65 वॉट का। एंड रेड कलर में आपको मिलने वाला है गाइस टाइप सी यूएसबी केबल। जी हाँ, तो ब्लू एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन के अंदर रेड कलर का आपको यूएसबी केबल मिलने वाला है। तो इन सबको हम साइड में रखते हैं और देखते हैं हमारा वन प्लस नॉर्ड 2 दिखने में कैसा। जी हाँ, ओहो, ये आप देख सकते हो काफ़ी शाइनिंग कर रहा है नॉर्ड 2 और दिखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग और गुड लुकिंग लग रहा है इसका ब्लू कलर। वैसे इसको हैज ब्लू कलर कहा जाता है, इसमें दो कलर और आ रहे हैं ग्रीन एंड ग्रे कलर। जी हाँ, तो ब्लू कलर काफ़ी शाइनिंग कर रहा है, दिखने में काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, ये आप देख सकते हो। तो चलिए इसको हम कम्प्लीटली सेटअप करते हो। सो फ्रेंड्स, वन प्लस नॉट टू कम्प्लीटली सेटअप हो चुका है, इसकी अनबॉक्सिंग भी हो चुकी है। तो आप देख सकते हो ब्लू कलर काफ़ी गुड लुक, काफ़ी अमेजिंग लग रहा है और दिखने में काफ़ी फ्लेक्सिबल भी लग रहा है। तो इसके डिज़ाइन की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हो डिज़ाइन काफ़ी गुड लुकिंग लग रहा है। नीचे की बात करेंगे तो आपको टाइप सी यूएसबी केबल के लिए पोर्ट दिया हुआ है एंड ड्यूल स्पीकर भी आपको नीचे के साइड में मिल जाएगा। सिम ट्रे भी आपको नीचे मिलने वाली इस फ़ोन में। राइट साइड की अगर बात करूँ तो आपको अलर्ट स्लाइडर आपको मिलने वाला है एंड पावर लॉक का बटन उसके नीचे आपको मिल जाएगा। ऊपर के साइड में आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन मिलने वाला है एंड लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम बटन मिलने वाला है प्लस एंड माइनस के लिए। तो चलिए इसका सिम ट्रे हम चेक कर लेते हैं, सिम ट्रे में हमें क्या मिलने वाला है गाइस। तो ये आप देख सकते हो सिम ट्रे हमने ओपन कर लिया, इसमें आप ड्यूल नैनो सिम आप लगा सकते हो। डिजाइन की अगर बात करेंगे गाइस तो डिजाइन आप देख सकते हो काफ़ी गुड लुकिंग लग रहा है एंड आगे और पीछे फ्रंट और बैक में आपको ग्लास मिलने वाला है, जो कि इसको और फ्लैक्सिप मॉडल दिखा रहा है। तो आप देख सकते हो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी इस फोन में आपको मिलने वाला है, जो कि काफी फास्ट ओपन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। तो 6.43 इंच का डिस्प्ले इस फोन में आपको मिलने वाला है। फुल एचडी प्लस डिस्प्ले आ रहा है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ में ये फोन आ रहा है। जी हाँ, बात करेंगे इसके कैमरे की। तो पीछे के साइड में आपको 3 कैमरे मिलने वाले हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलने वाला है, 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड मिलने वाला है, 2 मेगापिक्सल का आपको माइक्रो लेंस मिलने वाला है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो 50 मेगापिक्सल से क्लिक की पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी। और 50 मेगापिक्सल में गाइस आपको सोनी IMX766 का आपको सेंसर यूज हो रहा है। जी हाँ, फ्रंट कैमरे की अगर बात करूंगा तो 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा इस फोन में आपको मिलने वाला है। स्क्रीन पे आप फ्रंट कैमरे से क्लिक की पिक्चर भी आप देख सकते हो, आपको दिखाई दे रही होगी। बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस की। इसमें मिलने वाला गाइस आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200G का प्रोसेसर, जो कि काफ़ी अच्छा खासा प्रोसेसर, काफ़ी फास्ट प्रोसेसर है। अगर कंपेयर करूंगा इसके पहले वाले वर्जन नॉर्ड से कंपेयर करेंगे तो नॉर्ड में आपको मिल रहा था स्नैपड्रैगन 765 का प्रोसेसर और इसमें मिल रहा है डायमेंसिटी 1200G का प्रोसेसर। जी हाँ, तो कंपनी ने काफ़ी अपग्रेड किया है परफॉर्मेंस के मामले में। बात करेंगे गाइस बैटरी कैपेसिटी की। तो इसमें आप
फोन में आपको मिलने वाला है 4500 mAh की बैटरी। जी हाँ, जो कि अच्छी खासी बैटरी इस फोन में मिल रही है आपको। कंपनी का कहना है ये 30 मिनट्स में आपको 0 से 100% चार्ज करके दे देगा। बॉक्स के अंदर आपको मिलने वाला है 65 वॉट का फास्ट चार्जर। जी हाँ, कंपेयर करेंगे अगर नॉर्ड से तो नॉर्ड में आपको मिल रहा था 4115 mAh की बैटरी, जिसके कंपेयर में 4500 mAh बैटरी काफी ज्यादा बढ़ाई गई है इस बार नोट 2 में। जी हाँ, तो बात कर लेते हैं गाइस इसके वेरिएंट की। इसमें आपको मिलने वाला 6GB RAM 128GB 8GB RAM 128GB and 12GB RAM 256GB। जी हाँ, प्राइस की अगर आप बात करेंगे तो प्राइस आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहां पे आपको प्राइस और एड्रेस दोनों मिल जाएंगे। कहाँ से आपको ये फोन परचेस करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एड्रेस और नंबर दोनों मिल जाएंगे। जी हाँ, स्टोरेज टाइप की अगर बात करूंगा गाइस तो UFS 3.1 के साथ में ये फोन आ रहा है एंड LPDDR4X के साथ में ये फोन आ रहा है। जी हाँ, कवर लगा के चेक कर लेते हैं ये फोन कैसा लग रहा है कवर लगाने के बाद गाइस। तो ये आप देख सकते हो कवर लगाने के बाद भी ये फोन काफी सेफ एंड काफी अच्छा लग रहा है। जी हाँ, अगर आपको ये फोन पसंद आ रहा हो गाइस तो इस फोन को अपने घर मंगाना ना भूलिए। काफी अच्छा फोन है और काफी फ्लैगशिप फोन लग रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अनबॉक्सिंग के साथ, कुछ नए फीचर्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।